आपसे कराची से शेयर करें अदालती हुक्म। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11, 10 और 3 और 4 का ये इलाका है जहां अब से कुछ देर कबल एंटी इंक्रोचमेंट और पुलिस की भारी नफरी पहुंची तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। तो जो इलाका मकीन है उनकी जानब से यहां पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस की जानब से अब हवाई फायरिंग और शैलिंग करके जो है इन्हें मुंतशिर किया जा रहा है। दो अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, अभी मशीन टीम के साथ मौजूद है और पुलिस की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि इलाके के अंदर दाखिल हुआ जा सके, लेकिन शदीद मुजामत जो है वो इनको करनी पड़ रही है और यहाँ से पुलिस की जानब से शैलिंग की जा रही है। जिनको लगता है की वहाँ खवातीन छोड़ो मर्द भी सेफ नहीं है और उनको भी राइट्स नहीं दिए जाते उनके और चीजें जो है ना, जब आप लोग ऐसी कोई बात पाकिस्तान की जानिब से सुनते हो तो बीइंग अ कश्मीरी क्या भाई बात की, क्या फीलिंग आती है यार, इनको कैसे जवाब दें, कैसे बताएं इनको? लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, दे कैन सर्च एवरीथिंग अबाउट कश्मीर एंड दिल सी कि यहाँ पे कितने सारे हमारे प्लेयर्स है, कितने सारे हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स है, दे आर लाइक हैप्पी हेयर और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। जब से इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, ये तो सबको पता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी कितनी जबरदस्त हो गई है पाकिस्तान के अंदर, कोई शक की बात ही नहीं है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला जब से सामने आया है उसके बाद से पुलिस बल पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। इतनी शायद पाकिस्तानी काफिरों से नफरत नहीं करते होंगे, इतनी भारत से इसराइल से नफरत नहीं करते होंगे जितनी अभी पाकिस्तान की पुलिस से कर रहे हैं। उनको डर है कि ये ले जाएंगे इमरान खान को जेल और जेल में ही इमरान खान का विकेट गिरा दिया जाएगा, जेल में ही इमरान खान को क्लीन बोल्ड कर दिया जाएगा, इसलिए इमरान खान पे कोई आंच नहीं आने देनी, जहां पुलिस दिखेगी वहां पे। और ऐसे मामले एक दो नहीं अनेकों, पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर पुलिस के ऊपर अलग अलग तरीकों से, कभी काले झंडे, कभी ये, कभी वो, कभी पथराव करना, कभी उनके कॉन्वॉय रोकना, अलग अलग टाइप की चीजें जो है वो पाकिस्तानियों ने करी है पुलिस के खिलाफ, जबकि दूसरी जानिब से इलाका मकीनों की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है। तो ये तजावजात ये दुकानों की सूरत में, बाजार की सूरत में या ये रिहायशी है? आज बिल्कुल यहाँ मुख्तलिफ होटल्स मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं और साथ साथ पीछे रिहायशी इलाका भी है। हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1000 के करीब उनके घर हैं जो इस ऑपरेशन के अंदर मुतासिर होंगे। तमाम उनकी जानिब से यहाँ एहतजाज किया जा रहा है और उसके बाद जब पुलिस की नफरी यहाँ पहुंची है, इनकी जानिब से चैलेंज की गई है, तो मुजाहिरीन की जानिब से भी शदीद पथराव किया गया है। इस वक्त ये इलाका पूरा मैदान जंग बना हुआ है। ये वो रोड है जो पहलवान कोर्ट की जानिब जाता है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 और 11 का ये इलाका है। आज बिल्कुल पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि पहले से इनको जो है वो इत्तला दी गई थी कि इस हवाले से आज ऑपरेशन होना है। ताहम पुलिस की नफरी भी जब तलब की गई तो उस हवाले से भी उसको जो है आगाह किया गया, लेकिन जब अब इस इलाके के अंदर हैवी मशीनरी, पुलिस की नफरी, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम यहाँ पहुंची है तो मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो उन पर पथराव शुरू कर दिया गया और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको वक्त दिया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदालती हुक्म है जिसकी वजह से जो है वो यहाँ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा था आज से, और पुलिस की नफरी की जानिब से अब भी कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि मुजाहिरीन की जानिब से उन्हें जो है वो मजामत की जा रही है। जी अच्छा, स्ट्रेटजी क्या बनाई जा रही है इंतजामिया की जानिब से? जो पहले दुकानें हैं जैसे आप बता रहे हैं उसके पीछे फ्लैट भी मौजूद हैं, तो पहले जो बाजार और दुकानें हैं उनको मिसमार किया जाएगा या रिहायशी इलाकों को पहले टारगेट किया जा रहा है? जी ऐसे ये सबसे पहले जो है वो जो मुख्तलिफ होटल्स और दुकानें मौजूद हैं इन पर जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा, उसके बाद जो है वो इलाके के अंदर दाखिल हुआ जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस की नफरी एक होटल की जानी पड़ी है और उस होटल को जो है वो खाली करवाया जा रहा था और वहाँ जो है मशीनरी तलब की गई थी, इसी दौरान जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से पथराव कर दिया गया और शदीद इस वक्त से इलाके के अंदर पथराव भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब से पुलिस की जानिब से शैलिंग और हवाई फायरिंग भी की जा रही है। दो अपराध को अब हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ गलियों से दाखिल हुआ जा सके। अच्छा काशिफ, ये बताएगा पुलिस अहलकार यहाँ पर सिविल में भी मौजूद हैं, उनके पास असलहा मौजूद है? जी ऐसा ही है, एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है, पुलिस अहलकार मौजूद हैं और मुख्तलिफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुजाहिरीन के साथ जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तमाम उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस इलाके के अंदर दाखिल हुआ जा सके, लेकिन मुसलसल जो है वो सामने से मजीद पथराव किया जा रहा है। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है, जबकि ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी सामने आई है। मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो हो गया है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये दर्जन मुकर्रर है। अरे पाकिस्तान हर चीज को अगर मसला कश्मीर की ऐनक से देखेगा तो वो देख देख के पहले ही जो है वो अपनी आंखों को अंधा कर चुका। इंडिया, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कश्मीर से इंडिया जाती है, वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है।
यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है उनको। तो इनफैक्ट समबडी आस्क मी, आप लोग को वहां पे खाना मिलता है, एंड आई वाज लाइक आटे का आप लोग को प्रॉब्लम है, हमने क्या किया? इन कश्मीर वी हैव सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास काफी सारी स्कीम्स आ रही है, साथ साथ दे आर प्रोवाइडिंग अस द लोन्स। ओवरऑल जो यहाँ पे काम हो रहा है कश्मीर में फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वो भी काबिले तारीफ है। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुँच के हम मोदी का नारा लगाएंगे, हमें इस हालात में पहुँच गए, ये हुकूमत है। हमारे ख्याल तो काफी अच्छे है, आप हमें 1% दे तो हम 100 देने को तैयार है, ये आई थिंक हमारे खून में है, पूरे भारत में है। तो उनको जवाब आई थिंक देना जरूरी नहीं है, बिकॉज उनका काम ही है ये सब फैलाना, कश्मीर से इंडिया जाती है। यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू क्लियर हेयर। जैसे बाकी स्टेट्स में लोग रह रहे हैं वैसे हम भी है, इनफैक्ट हमारे पास तो कश्मीर के पास बाकी स्टेट से ज्यादा फंडिंग है। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से IMF के सामने पूरी काम को आपने हाथ बांधा के खड़ा किया हुआ है। तो जिस काम का ये हालत हो जाए कि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती जो है उसको भी फील ना कर सके। हालात तो काफी अच्छे है, ये आई थिंक हमारे खून में है, पूरे भारत में है। आई टेल यू वन थिंग, हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? वी हैव Everything here, you name it, I'll tell you. And मजे की बात ये है, जो पाकिस्तानी एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं, बट जो उन्होंने ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है, वहां पे जो ऑप्रेस कर रहे लोगों को, उस पर बात नहीं कर रहे। हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक का कोई स्कोप बनता है बोलने का कि यहाँ पे वी डोंट हैव एनी राइट्स और एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रायलर 15 रुपए फी किलो तक सस्ता किया गया, 617 से कीमत कम करके 602 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए फी किलो तक कर ली दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और आप जानते हैं वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है, लाइक वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, तो ऐसा क्यों है? पहला आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि इसी तरह अंडों की पेटी 7,200 रुपए की हो गई है। आपको बताते चलें कि मुर्गी का गोश्त 602 रुपए किलो हो गया है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपए दर्जन मुकर्रर कर दी गई है। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से IMF के सामने पूरी काम को आपने हाथ बांधा के खड़ा किया हुआ है। तो जिस काम का ये हालत हो जाए कि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती जो है उसको भी फील ना कर सके। पिछले मात्र 1 से 1.5 साल में, बल्कि 1.5 साल भी नहीं, मात्र 1 साल में इमरान खान ने जो किया है वो पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। क्या किया ऐसा इमरान खान ने? इमरान खान ने ये किया, अपनी आम जनता को, किसी भी देश की आम जनता हो वो पुलिस से तो डरती ही है, पहले ही पीछे जो कुछ भी बोले पीछे बुराई करे लेकिन पुलिस से डरती है, और पाकिस्तान जैसे देशों की जो जनता होती है वो फौज से बेइंतहा प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत, एकदम शिद्दत वाला प्यार। क्या फौज के लिए तो जीना मरना सब है, डरते भी हैं लेकिन उसमें प्यार भी करते हैं, पुलिस से भले ही प्यार ना करें लेकिन फौज से करते हैं। तो इमरान खान ने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया, इमरान खान ने अपने आप को इस्लाम का पर्यावाचक के तौर पर प्रेजेंट किया कि अगर इमरान खान पे कोई अटैक हो रहा है तो वो पाकिस्तानियत पे अटैक हो रहा है और पाकिस्तानियत से ज़्यादा इस्लाम पे अटैक हो रहा है। इसीलिए जितना भी इमरान खान के विरोधियों ने कहा इमरान खान को, वो सीधे सीधे पब्लिक समझ गए कि गुरु ये तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। जो फौज की तरफ से बयानबाजी आई उसमें भी सेम टू सेम ही हुआ। अब ये हालत हो गई है, जैसे हम भारत कश्मीर में देखते हैं ना, कुछ भी कर लो उनको मानना ही नहीं है कि भारत की फौज उनकी अपनी, हमेशा वो पत्थरबाजी करते हुए, फौजियों पे हमला करते हुए, वहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं और बाकी सिखन वाले जो भी माइनॉरिटीज़ हैं सबके ऊपर हमला करते हुए ही नज़र आते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी वही हो गया, वो देखिए जाहिलियत तो मौजूद है, बस उसको एक्टिवेट करने की देरी है। तो वो जाहिलियत तो मौजूद थी ही पहले से पाकिस्तानियों में, बस उसको एक्टिवेट करने वाला चाहिए था, एक्टिवेट करने का इमरान खान ने कर दिया। अब क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी की बात बढ़ती चली जा रही है, आप देखो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस समय सब कुछ हो रहा है। एक तरफ पता नहीं सच बात है कि अफवाह, लेकिन इमरान खान के समर्थक इस बात को फैला रहे हैं, बलूचिस्तान में एक खास जेल बनाई गई है
ऐसी जेल जो भारत में, आपने सुना ना काला पानी की सजा होती है अंडमान निकोबार में, वो काला पानी से भी बुरी सजा वहां पे इमरान खान को मिलेगी। पूरी दुनिया से कनेक्शन कट, वहां पे कोई आ जा नहीं सकता। और वो कहां पे है जेल वो भी अभी तक किसी को पता नहीं, बस ये पता कि है। इस टाइप की चीजें, इमरान खान को वहां पे बंदी बना के रखा जाएगा और फिर संभवतः या तो तब तक उसको वहां पे कैद करके रखेंगे जब तक वो मर नहीं जाता, या तो फिर उसको अंदर कोई बहाना करके निपटा देंगे, ठंड लग गई, ये हो गया, वो कुछ भी बहाना करके निपटा देंगे, ऐसा बात है। अब ये बात पे इतना पब्लिक पागल हो गई कि उसको जहां पुलिस दिख रही है वहां पे वो पुलिस पे पथराव हो रहा है। इस समय सिर्फ कराची का एक मामला नहीं है, ऐसे 50 से ज्यादा मामले पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं जहां पर पुलिस को काले झंडे दिखाए गए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस का जो है वो कॉन्वॉय रोकने की कोशिश की गई, पुलिस थानों को अटैक करने की कोशिश की गई, ये सब। और खास तौर पर जो विशेष तौर पर जो पुलिस की टुकड़ियां इमरान खान को पकड़ने आती है उस पर तो और बुरी हुई है।